दोस्तों बहुत सारे भी धर्मियों का ये दावा है कि हमारे वेद, मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथ मांसाहार की अनुमति देते हैं। आज हम अपने इन्हीं धर्म ग्रंथों के माध्यम से इनको ये बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता और सनातन धर्म के अन्य धर्म ग्रंथों में मांस खाना वर्जित है। अगर आप हिंदू हैं और मांसाहारी हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि श्री गीता जी और अन्य धर्म ग्रंथों के श्लोक सुनने मात्र से आपका मन कुछ तो पवित्र होगा। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 की 16वीं ऋचा में कहा गया है, यह पौरुषे एण क्रविषा सम्मन्के यो अश्वेन पशुना या तु धानः यो अज्ञाना भरति क्षीरमग्ने शेषा शीर्षाणी हर्षापि वृश्च। अर्थात जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है और गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वेदों में तो साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। अब हम जानते हैं हमारे एक प्राचीन धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में क्या लिखा है। ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांस मुद्पते क्वाचित न च प्राणी वध स्वर्गस्त्यस्त मांसा विविर्जयते। अर्थात जीवों की हिंसा के बिना मांस की प्राप्ति नहीं होती और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है, अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। और मनुस्मृति का एक दूसरा श्लोक है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्री क्रियै संस्कर्ता चोपहर्ता च खादक चैस्ति घातकाः। अर्थात पशु की हत्या की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मांस को काटने वाला, पशु को मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक अर्थात कसाई हैं। और गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मांस खाने से पाप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें नर्क में जाना पड़ता है और उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है और उससे बचना चाहिए। तो आइए भागवत गीता में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता श्रीरूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात विश्वास के साथ पैदा होता है जो तीन प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। और तीन प्रकार के पदार्थों से युक्त तीन तरह के आहार होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक आहार शरीर और मन को बल बुद्धि प्रदान करता है, वहीं राजसिक आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इनके अत्यधिक सेवन से शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि लाते हैं। तामसिक आहार वो है जो शरीर और मन को सुस्त रखता है। इसके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम, भटकाव, हिंसा, काम, क्रोध उत्पन्न होते हैं। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी।